डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देयर फॉर्मेशन वीडियो नंबर वन इस वीडियो में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन भी समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसके टाइप्स क्या है और क्वेश्चंस भी करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सही डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन को समझने से पहले हम दोनों वर्ड को अलग अलग समझते हैं कि डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है और इक्वेशन का मतलब क्या होता है पहले इक्वेशन की बात करेंगे हम जैसे y इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस थ्री ये आपको पता है कि ये एक इक्वेशन है क्योंकि y को यहाँ पे इक्वेट यानी कि इक्वल कर दिया गया है फाइव एक्स प्लस थ्री तो जहाँ पे आपको ऐसे इज इक्वल टू मिल जाए और इसके इधर कुछ लिखा हो इसके इधर कुछ लिखा हो तो ये आपको इक्वेशन मिल जाएगी और इस इक्वेशन में आपको क्या क्या मिलेंगे और ये तो कॉन्स्टेंट टर्म्स हैं और ये वाई और एक्स भी आपको मिलेगा इसमें तो एक्स इसमें क्या है एक्स इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि वाई सॉरी एक्स जो है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा वो इंडिपेंडेंट है आजाद है अपनी कुछ भी वैल्यू ले सकता है एक्स वन टू थ्री फोर फाइव कुछ भी लेकिन वाई जो है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट क्यों कहा गया है क्योंकि जो वाई की वैल्यू है वो एक्स पे डिपेंड कर रही है अगर एक्स की वैल्यू मैं वन कर दूंगा यहां पे तो फाइव मल्टीप्लाई वन फाइव प्लस थ्री वाई की वैल्यू एट आ जाएगी यानी कि वाई की वैल्यू एट तब आ रही है जब एक्स की वैल्यू वन भरी जा रही है तो वाई को किस पे डिपेंड रहना पड़ रहा है एक्स पे इसीलिए एक्स को इंडिपेंडेंट कहा गया है क्योंकि एक्स की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है एक्स एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है लेकिन वाई को इस एक्स पे डिपेंड रहना पड़ रहा है इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल है ये हो गई इक्वेशन और इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है वो हमने जान लिया अब डिफरेंशियल इक्वेशन तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपको डिफरेंशियल भी मिले डिफरेंशियल डिफरेंशियल या differential भी मिले तो अभी तक जो हमने पढ़ा है डी वाई बाई डी एक्स या डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये सब क्या है ये सब डिफरेंशियल्स हैं इनको क्या कहा जाता है डिफरेंशियल्स या इनको डिफरेंशियल कॉफिशियंट भी कह देते हैं तो डिफरेंशियल कोफिशियंट तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हुआ एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल्स या डिफरेंशियल कॉफिशियंट भी हों एग्जाम्पल डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव एक्स इज इक्वल टू नाइन इसमें आपको ये एक इक्वेशन नजर आ रही है और साथ में इस इक्वेशन में आपको डिफरेंशियल या डिफरेंशियल कोफिशियंट डी वाई बाई डी एक्स भी नजर आ रहा है तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इट इज डिफरेंशियल इक्वेशन अब से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को डी ई लिखा करेंगे ताकि बार बार हमें ये सारा ना लिखना पड़े अब डिफरेंशियल इक्वेशन के कुछ टाइप्स हैं उनको समझते हैं सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप को समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डिनरी है या पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहा जाएगा वैसे तो आपके सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है पार्शियल वाली यानी कि दूसरे टाइप वाली है ही नहीं लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए दोनों के बारे में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी डी वाई बाई डी एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वल टू टेन ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे आप पहचानेंगे कि एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का ये तरीका है कि जो आपको डिफरेंशियल कोफिशेंट मिलेंगे जैसे कि ये है इसमें y का डिफ्रेंशिएशन किया गया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसके अलावा किसी और का डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है तो जब भी आपको आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन में जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है वो सिर्फ एक ही है एक यानी कि सिर्फ x के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया गया है और किसी के रिस्पेक्ट में नहीं किया गया चलिए इसको थोड़ा और अच्छे समझते हैं डी स्क्र वाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन यह भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x दो बार किया गया है यहां पर y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है यानी कि जो डिफरेंशिएशन किया गया वो किसके रिस्पेक्ट में किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x। और विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि एक ही वेरिएबल है ना यहाँ पे सिर्फ x. इस, इसके अलावा किसी और के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नजर नहीं आना चाहिए तो वो क्या हो जाएगी ऑर्डनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चलिए अगर आपको नहीं समझ में आया तो पार्शियल को समझते हैं इससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है यहां पर w का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u किया गया है मान लो यहां पे एम है एम का डिफरेंसियन विद रिस्पेक्ट टू रि किया गया है इज इक्वल टू ऐसा कुछ लिखा है तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे पता लगा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x चलिए यहां पे विद रिस्पेक्ट टू x किया गया है यहां पे विद रिस्पेक्ट टू u भी कर दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू v भी कर दिया गया है तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि जिसके रिस्पेक्ट में आपको यहां पर डिफ्रेंसिएशन करना पड़ा वो एक नहीं है तीन वेरिएबल्स हैं x के रिस्पेक्ट में भी करना पड़ा u के रिस्पेक्ट में भी और v के रिस्पेक्ट में भी तो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जबकि यहां पर हम हमें सिर्फ x के रिस्पेक्ट में यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंसिएशन करना पड़ा चलिए अब समझते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तो हो गया अब हम समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान यह है जैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कैसे आप पहचानेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है जो ऊपर होता है ना वाई वो यहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि इसमें इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल वेरिएबल कौन कौन है है तो यहां यहां पे पे जैसे कि मैंने आप आपको समझाया था कि डिपेंडेंट वेरिएबल है तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि डिपेंडेंट कौन है और इंडिपेंडेंट कौन है तो यहां पे वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है तो सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है तो वाई यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। जब आपने डिपेंडेंट वेरिएबल पहचान लिया उसके बाद आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी ना उसमें क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए होने के लिए। डी वाई बाई डी एक्स यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव या जैसे वाई अकेला भी आ रहा है तो उसकी पावर डिग्री बोलते हैं पावर को हम वन होनी चाहिए वन से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो इसको हम क्या बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है अभी थोड़ा सा इसको और समझिए ना ही आपस में इनका प्रोडक्ट होना चाहिए यानी कि डी वाई बाई खुद dy बाई डीएक्स से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए या फिर वाई वाई से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए या फिर वाई डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए इसके अलावा वाई साइन के अंदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन वाई कोस वाई ऐसे नहीं होना चाहिए ना ही साइन डी वाई बाई डी एक्स यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव या खुद डिपेंडेंट वेरिएबल साइन कोस किसी के भी थीटा के अंदर नहीं होना चाहिए ना ही लोग वाई या फिर लोग डी वाई बाई डी एक्स इनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए ना तो लोग वाई ना लोग डी वाई बाई डी एक्स यानी कि लोग के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए हमारा डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो खुद अपने डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई ना हो वाई जो है वाई से मल्टीप्लाई ना हो वाई डी वाई से मल्टीप्लाई ना हो साइन के अंदर या किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कोस कोसिकेंड टेन कोटेंजेंट इन सब के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर उसका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी तो अब आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं कि जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो या उसका डेरिवेटिव उसकी पावर हाईएस्ट एक होनी चाहिए एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए ना तो वाई डीवाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा ना डीवाई बाई डी एक्स खुद से मल्टीप्लाई होगा ना वाई वाई से मल्टीप्लाई होगा इसके अलावा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव लोग के अंदर या ऐसे लोग डीवाई बाई डी एक्स या फिर साइन वाई साइन डीवाई बाई डी एक्स ऐसे नहीं होना चाहिए चलिए अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन और आपको आ रही होगी वो भी अभी दूर हो जाएगी अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं आपको पता लग जाएगा कि और क्या है उस को दूर करने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ़ डिफ़रेंशियल इक्वेशन क्या होता है जैसे डी वाई बाई डी एक्स है प्लस एक्स इज इक्वल टू फाइव यहां वाई का डिफरेंशिएशन एक बार किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ऑर्डर कितना हो गया इसका वन ऐसे ही स्केयर वाई डी एक्स स्केर तो यहां आपको साफ दिख रहा होगा कि वाई का डिफरेंसिएशन दो बार किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये इसका हो गया ऑर्डर यहां पे टू तो ऑर्डर का मतलब ये है कि हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितनी बार किया गया है अगर दो बार किया गया होगा तो ऑर्डर टू नहीं तो एक बार किया गया तो ऑर्डर वन तो ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद डिग्री की बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकाली जाएगी डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई डीएक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डीएक्स इसकी पावर फोर प्लस वाई की पावर थ्री इज इक्वल टू एक्स हमें ये एक इक्वेशन दी गई है हमें कहा गया बताओ इसकी डिग्री क्या होगी तो डिग्री के लिए सबसे पहले आपको देखना है कि ऑर्डर जो है वो हाईएस्ट कितना है तो यहां डी डीवाई बाई डी एक्स वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में एक ही बार किया गया यहां पे वाई का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार किया गया तो ऑर्डर हुआ टू तो हाइयर ऑर्डर वाला कौन है ये कि ये ये वाला है ना क्योंकि इसका ऑर्डर तो वन है और इसका ऑर्डर कितना है टू तो हाइयर ऑर्डर वाले की पावर कितनी है यहाँ कोई पावर नहीं है मतलब इसकी पावर कितनी है वन तो हाइयर ऑर्डर वाले की जो भी आपको पावर नजर आएगी वही डिग्री होगी तो डिग्री कितनी हुई इस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की वन लेकिन एक शर्त भी है इसमें कि जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है जो डेरिवेटिव है वो सिंपल इसकी पावर्स जो है ना वन फोर ऐसे होने चाहिए इसकी पावर सिंपल वन टू थ्री यानी कि नेचुरल नंबर होनी चाहिए यह बात आपको ध्यान रखना है अगर ऐसा लिखा होता डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाय डी एक्स इसकी पावर माइनस वन तो इसकी डिग्री ही डिफाइंड नहीं होती तो डिग्री इसकी नोट डिफाइंड है यानी कि नेचुरल नंबर के अलावा कोई और नंबर अगर डेरिवेटिव की पावर पर आ रहा है तो उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी इसके अलावा एक और चीज हमारा डी वाई बाई डी एक्स ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो लोग के अंदर आ रहा है लोग डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ या फिर साइन डी वाई बाई डी एक्स है या फिर कोस डी वाई बाई डी एक्स है ऐसा भी नहीं होना चाहिए तो इन केसेस में अगर ऐसा कुछ होगा तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी चलिए अब एक डाउट रह गया था उसको क्लियर कर लेते हैं तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं आपके सामने डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स क्या यह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं आपको बस इतना बताना है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको बता ही दिया है क्या होती है अब आपको बस ये मुझे जवाब देना है क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या फिर नहीं है कैसे चेक करेंगे जो वाई है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है डी वाई बाई डी एक्स इसका डेरिवेटिव और यहाँ पे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x दो बार किया गया है तो मैंने कहा था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए जरूरी है कि y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका जो डेरिवेटिव है उसकी पावर वन से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो आपको लगेगा यहां पे यार दो बार डिफरेंशियट कर दिया गया है वाई का तो क्या ये इसकी पावर दो हो गई है जी नहीं बिल्कुल नहीं इसकी पावर तो वन ही है वाई का डिफ्रेंशिएशन दो बार किया गया है तो पावर कितनी है यहाँ पे इसकी वन यहां पे भी डेरिवेटिव की पावर वन और वाई की पावर भी कितनी है वन वन से बड़ी पावर नहीं है ना तो इसलिए ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है अब आपको मैं फर्क बताता हूँ क्या है इसमें डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स ये बनता है डी वाई बाई डी एक्स की पावर दो तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की पावर दो आ गई ना डेरिवेटिव की तो ये नोट एल से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है लेकिन जो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर होता है ना ये अलग चीज है इसका मतलब ये है कि y का डिफ़रेंशियल पहले एक बार किया गया फिर उसका डिफरेंशियल किया गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो फर्क समझिए इसमें यहां d और d है y एक ही बार आया ना पहले डिफ़रेंशियल इक्वेशन ऑफ y विद डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से डिफरेंशियल ऑफ dy वाई यहां देखिए d दो बार है y एक बार है और यहां पे क्या है डी वाई डी वाई वाई यहाँ पर भी है डी वाई यानी कि वाई यहाँ पर भी है तो वाई खुद ही दो बार आ गया यहाँ पे तो यहाँ पे इसकी पावर दो है और इसका मतलब क्या होता है वाई का डिफ्रेंसियेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार लेकिन इसकी जो डिग्री है इसकी पावर है वो कितनी है वो तो वन ही है तो आपको ये नज़र रखनी है बस कि y या उसका डेरिवेटिव चाहे उसका डेरिवेटिव एक बार किया गया हो चाहे दस बार किया गया हो उसकी पावर वन होनी चाहिए तब वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है अगर अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन से आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे तो क्वेश्चन कुछ इस तरह का है आर डी आई बाई डी टी प्लस आई बाई सी को सोमेगा हमें पहले बताना है ये कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है तो लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है तो कैसे बताएंगे आप इसको इसमें आई जो है वो इंडिपेंडेंट सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल है तो आई यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है इसकी पावर यहाँ पे वन है और इसके डेरिवेटिव की पावर भी वन है और वापस से मल्टीप्लाई तो हो नहीं रखे ना ही डी आई बाई डी टी लोग या साइन के साथ ऐसा लगा हुआ है तो इनकी पावर वन है वन से बड़ी पावर नहीं है तो ये क्या हुए ये हुए लीनियर उसके बाद आपको बताना है इसमें कि ये ऑर्डनरी है या पार्शियल है वैसे तो आपको सिलेबस में ऑर्डनरी ही है सारी पार्शल है ही नहीं या वैसे भी सोच सकते हैं आप देखिए विद रिस्पेक्ट टू टी टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर डिफरेंशिएट किया गया है किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कहीं भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं नजर आ रहा अगर यहाँ पे कहीं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा होता तो विद रिस्पेक्ट टू टी भी आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स यानी कि दो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया होता या दो से ज़्यादा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया होता तो पार्शल होता लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक वेरिएबल यानी कि टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशियट किया गया इसलिए ये है। उसके बाद ऑर्डर और डिग्री। तो इसका ऑर्डर कितना होगा डी आई बाई डी टी आई का डिफ्रेंशियन विद रिस्पेक्ट टू टी कितनी बार किया गया एक ही बार किया गया तो ऑर्डर हुआ वन और हाइएस्ट एक बार डिफरेंशियट किया गया इसको और इसकी पावर कितनी है डिग्री तो भी कितनी हुई इसकी वन अगर आपको डाउट अभी भी है तो अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं क्वेश्चंस से आपके डाउट्स क्लियर होते रहेंगे चलिए नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह से है वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश का मतलब पता क्या है डबल डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दो बार ये हो गया वाई डबल डैश का मतलब और इसकी पावर है टू y का मतलब डिफरेंशियन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एक ही है है कि ये linear है या -linear है। तो linear या -linear? तो कैसे पहचानेंगे y यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर यहां पे तो वन है यहां पे भी वन है और इसके डेरिवेटिव पावर यहां पे वन नहीं है वन से बड़ी हो गई है ना पावर वन से बड़ी हो जाए तो वो नॉन नॉन है तो ये क्या हो जाएगा उसके बाद बताइए ये बताइएरी है या पार्शियल तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स एक वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है तो इसलिए ऑर्डनरी उसके बाद इसकी ऑर्डर वाई का डिफ्रेंसियन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितनी बार किया गया है मैक्सिमम दो बार देखिए डी स्क्वायर वाई विध रिस्पेक्ट टू डी वाई का डिफरेंसिएशन दो बार किया गया है तो ऑर्डर कितना हो गया टू क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन मैक्सिमम दो बार किया गया यहां पे एक बार किया गया डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दो बार डिग्री कितनी होगी इसकी तो डिग्री कैसे निकालेंगे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है ये वाला ये वाला ये वाला क्योंकि यहाँ पे वाई को दो बार डिफ्रेंशिएट किया गया यहाँ पे एक बार तो हाईएस्ट बार यानी कि ज्यादा बार इसको डिफ्रेंशिएट किया गया इसकी पावर कितनी है टू तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें दिया हुआ में एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन के बाद है वाई बाई डी एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू एक्स सबसे पहले पहचानेंगे लीनियर है या नॉन लीनियर है यहां पे जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर वन उसके डेरिवेटिव की पावर भी वन तो सबसे बड़ी पावर वन ही है y की भी और उसके डेरिवेटिव की भी तो इसलिए क्या हुआ ये लीनियर ऑर्डिनरी है या पार्शियल है तो ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसके अलावा किसी और के रिस्पेक्ट में तो यहां डेरिवेटिव किया नहीं गया तो इसलिए ये क्या हुआ ये हुआ ordinary. ये ऑर्डनरी वाई है, वाई है सिर्फ y डैश का मतलब dy बाई होता है उसके बाद इसका ऑर्डर तो y का डिफ्रेंसिएशन मैक्सिमम ज्यादा बार कितनी बार किया गया एक ही बार किया गया एक ज्यादा बार तो कहीं किया नहीं गया तो ऑर्डर कितना हो गया इसका वन डिग्री तो इसकी डिग्री कितनी होगी हाईएस्ट ज्यादा बार कितनी डिफ्रेंशिएट किया गया कितनी बार एक बार तो डीवाई बाई डी एक्स की कि पावर कितनी है वन तो डिग्री भी कितनी जाएगी वन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डी स्क्वायर वाई डीएक्स स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस डी वाई बाय डीएक्स का स्क्वायर पेन खत्म हो गया था चलिए हमारे पास रेड पेन है उसी से काम चला लेते हैं तो डीवाई बाय डीएक्स इसका स्क्वायर और इसकी पावर है थ्री फिर से वही बात हमें बताना है इसमें कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है तो साफ साफ नजर आ रहा है हमारे डेरिवेटिव की पावर एक से बड़ी दो आ गई है यहां पे तो ये तो फिर नॉन लीनियर हुआ उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डिनरी या पार्शियल तो यहां पे हर जगह विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स ही डेरिवेटिव किया जा रहा है तो जब एक ही वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो ऑर्डिनरी उसके बाद इसका ऑर्डर तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे यहां पे एक बार डेरिवेटिव किया गया वाई का यहां पे दो बार तो मैक्सिमम बार कितना हुआ है दो बार ऑर्डर तो आएगा टू और इसकी डिग्री कितनी होगी जिसका हमने ऑर्डर देखा था ज़्यादा बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया गया तो इसी की पावर देखनी है इसकी पावर कितनी है टू तो डिग्री भी कितनी आ जाएगी टू आ जाएगी